वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा की कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी नया नियम, नया धमाका हरियाणा सरकार ने कर दिया है। फैमिली आईडी अब लागू कर दी गई है, सभी हरियाणा वासियों के लिए जरूरी है। पोर्टल का धमाका भी कर दिया गया, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। अब की बार बिना फैमिली आईडी के आप कुछ नहीं कर पाओगे, विस्तार से संवाद में चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देता हूं। अगर आप मेरे साथ जुड़े होते हैं नहीं के पाओगे, मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। तो साथियों अब सीधा धमाका करते हैं, सीधा जो नया हरियाणा सरकार ने धमाकेदार आदेश जारी किया उनको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर, फसल पंजीकरण यानी फसल रजिस्ट्रेशन के लिए पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र व आधार से लिंक होगा मोबाइल। तो अब की बार फैमिली आईडी लागू कर दी गई है। यहाँ प्रदेश सरकार ने फसल पंजीकरण की प्रक्रिया में बड़ा महाबदलाव किया है। अब तक फैमिली आईडी की कोई जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से हो जाता था, ओटीपी की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अब परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी या आधार संख्या से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही फसल का पंजीकरण हो सकेगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, किसी की फसल किसी और ने रजिस्ट्रेशन करा दी, किसी की किसी और ने करा दी। तो हरियाणा सरकार ने अब की बार वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन इसमें लागू कर दिया है, यानी फैमिली आईडी भाई जिसकी जिसके नाम है वही उसको वो कर पाएगा। अब की बार इससे फैमिली आईडी से ये फर्जीवाड़ा, फसल पंजीकरण का फर्जीवाड़ा रुकेगा। दोस्तों अब तक क्या था, अब तक बिना इसके सीधा हो जाता था, सीधा कोई भी आधार नंबर डालो सीधा रजिस्ट्रेशन कराओ। अब जो है ओटीपी आएगा, पुष्टि करेगा, तब जाकर होगा। और ये रबी सीजन के लिए पोर्टल जो है आज से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। रबी सीजन भाई इस पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तभी आपकी फसल बिकेगी, वरना आपकी फसल नहीं बिकेगी। अरे यहाँ आप देखें, कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी कारण से फैमिली आईडी या आधार कार्ड से जुड़ा हुआ पंजीकृत मोबाइल नंबर सही काम नहीं कर रहा है तो वे किसान नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना सही मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं। तो भाई यदि फैमिली आईडी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रही है तो आप जो है पहले अपनी फैमिली आईडी से अपना वो मोबाइल नंबर लिंक कराओ, फिर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराओ। क्योंकि बिना रजिस्टर बिना आप जो है इसके मेरे फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए अपनी फसल नहीं बेच सकते, और आपकी बिना फसल बेचे आपकी जो है घर आपकी फसल गड़ेगी। तो यहां आगे देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल पंजीकरण अनिवार्य है, यानी एमएससी पर फसल बेचने के लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन इस पर अनिवार्य है। कृषि विभाग के मुताबिक रबी फसल के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल 12 नवंबर से उपलब्ध होगा, यानी आज से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। रबी फसल का मतलब गेहूं सरसों इत्यादि, खरीफ फसल का मतलब बाजरा धान आदि। तो जो अब वर्तमान में जो अब बो रही है वो फसल रबी फसल कहलाती है। तो दोस्तों इसके लिए किसान पहले से ये तैयारी कर लें, यदि किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से नहीं जुड़ा है तो वो तुरंत जो है सीएससी सेंटर पर जाकर अपडेट कराएं। इसके अलावा अगर ऐसा किसान नहीं करते तो किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। कृषि अधिकारियों ने बताया कि धोखाधड़ी व योजनाओं का दुरुपयोग करने के लिए फसल पंजीकरण के पोर्टल के तरीके में बदलाव ये किया गया है। आज के भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में ये प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।